हेलो गाइस, मैं भूपेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रेवल वी में। गाइस, आज हम अपाचे 164 वी स्पेशल एडिशन के एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आप यह बाइक परचेज करने का सोच रहे हैं तो आपको यह बाइक परचेज करनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, अपनी राय दूँगा। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना चाहें नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं आज आपको इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या क्या कमियाँ हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तक हम देखेंगे मीटर कंसोल भी, इसका हम चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइस, फिलहाल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके मीटर कंसोल से। तो यहाँ पर गाइस आपको जितने भी एडवांस लेवल के सारे फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है गाइस कि आपको इसमें राइडिंग मोड देखने को मिल रहे हैं। आप सिटी में आप इसको अर्बन मोड में चला सकते हैं, और स्पोर्ट्स मोड है हाईवे के लिए, और रेन मोड है रेन के लिए। और हाई स्पीड रिकॉर्डर भी है, फ्यूल इंडिकेटर है, टाइम दिखाता है कितना है, और यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है। सबसे बड़ी बात गाइस, इसमें हमें यह पता लग जाएगा कि आपकी बाइक कौन से गियर में चल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नए और पुराने राइडर दोनों के लिए। तो गाइस, ये सारे फीचर्स में देखने को मिलते हैं। यह आरपीएम की लाइट है, और गाइस इसमें यह लो बीम हाई बीम का स्विच है। अगर आप यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और ये आप हेडलाइट इसकी यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। इंजन किल स्विच है यहाँ पर, और यहाँ पर गाइस लो बीम हाई बीम का स्विच है, लेफ्ट राइट का स्विच है। तो यहाँ पर यह हॉर्न का है, ब्रेक लीवर है, आप ब्रेक लीवर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और गाइस इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर देखने को मिलता है। यह ऊपर से फाइबर का है, अंदर से मेटल का है। और यहाँ पर यह रियर व्यू मिरर है इसकी, आप देख सकते हैं। और गाइस इंजन के सारे स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। फ्रंट में गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर फ्रंट में आपको ABS देखने को मिलता है, TVS इसको सुपर मोटो ABS बोलता है। और यहाँ पर गाइस यह ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलते हैं, रेड कलर का इसका कलर है व्हील्स का, जो कि MT15 की तरह है। और गाइस यह इसकी हेडलाइट है, हेडलाइट का सेटअप आपको LED में देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको ऑन करके हेडलाइट भी दिखाता हूँ, देखिए इस तरह का ये DRLs है। हेडलाइट जब ऑन होगी तो यह लो बीम है, और यहाँ पर यह हाई बीम है। और गाइस यह इसका इंजन है, यह इंजन गाइस अपने सेगमेंट में 160 सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है। और गाइस इसमें रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है गाइस यहाँ पर गाइस आपको 130 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 130x70 सेक्शन का रेडियल टायर आपको देखने को मिलता है। रेडियल टायर गाइस इसलिए आपको देखने को मिलता है क्योंकि इस बाइक में इसी की वजह से आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और गाइस इसमें सोआ के मोनो शॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जिससे गाइस आपकी हाईवे पर काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी हो जाती है। लेकिन गाइस इसमें जो लेफ्ट राइट इंडिकेटर हैं वो आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। यह रिफ्लेक्टर है, और ये बैक लाइट है, एक बार मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस ये इसकी बैक लाइट है LED में। और गाइस ये आई बटन का स्विच इसलिए दिया जाता है, मान लीजिए गाइस अपने अपने मोबाइल को बाइक से कनेक्ट किया हुआ है तो इस केस में यदि कोई कॉल आती है तो आप इससे आप कॉल को कट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस इसमें नेविगेशन सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है, काफ़ी यूजफुल फीचर है। और ये न्यूट्रल की लाइट है, ये ABS की लाइट है। जब बाइक 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड में होती है तो ये ABS की लाइट बंद हो जाती है, और ये इंजन मॉल फंक्शन लाइट है। और गाइस अब हम इसकी कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट की बाइक में जैसे कि NS 160 बाइक बजाज की है तो उसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। तो इस सेगमेंट की बाइक में भले ही थोड़ा प्राइस अगर 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है तो यह बाइक गाइस बहुत अच्छी हो जाती है। तो गाइस यही एक मुझे इसमें कमी लगी, बाकी तो सब ठीक ठाक ही है। और गाइस यदि आपको पावरफुल ब्रेकिंग चाहिए तो आप दोनों ही ब्रेक का यूज़ करें, यानी कि रियर का आप 70% और फ्रंट का आप 30% अगर आप यूज़ करेंगे, मतलब बाइक बहुत जल्दी स्टॉप हो जाएगी, ब्रेकिंग आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। गाइस यहाँ तक इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो यह बाइक अभी 1,55,000 की ऑन रोड देखने को मिल रही है।
तो एक बार गाइस अगर आप इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लें परचेस करने से पहले। यदि मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।